जैसा कि आप सबको पता है कि कल रात को आईआईटी का रिजल्ट आया होगा, जेई मेन 2 का, जेई मेन 1 का रिजल्ट आ चुका था पहले। जो फाइनल रिजल्ट है वो जेई मेन 2 के बाद बनता है। दोनों में जो बेस्ट स्कोर है वही काउंट होता है और उसी के हिसाब से आपको ऑल इंडिया रैंक मिलता है और उसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिजल्ट आज हम आपको दिखा रहे, ये रिजल्ट लक्ष्य इंस्टीट्यूट पठानकोट का है। ये बच्चे पठानकोट के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, टीचर लक्ष्य इंस्टीट्यूट पठानकोट में पढ़ा रहे थे और ये वही बच्चे हैं जो आज सेलेक्ट हुए हैं। हमने बहुत मेहनत करवाई बच्चों को और जितना एक्स्ट्रा क्लास बन सकता था हमने उससे ज़्यादा एफर्ट्स डाले और आज फाइनली खुशी का टाइम है और आज हम रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा टॉपर बच्चा है वो है मानसू और उसकी परसेंटाइल है 96। तो यहाँ पे जितने भी 11th और 12th के बच्चे खड़े हैं, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये सफर शुरू तब हुआ था जब मानसू ने 11th में इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी थी। और भी हमारे पास मानसू के अलावा 10 और बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन ली है, उनकी परसेंटाइल 95, 94, 93 और इस तरीके से वो क्वालिफाइड हैं। तो मानसू ने जब 11th में क्लास ज्वाइन करी तो मानसू को नहीं पता था कि आईआईटी क्या होता है और आईआईटी की प्रिपरेशन कैसे होती है। उसको इतना पता था कि लक्ष्य कोई इंस्टीट्यूट है, इसमें टीचर्स हैं, ये अच्छा पढ़ा रहे और हर साल इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जब वो मेरे पास आया मैंने उसको मोटिवेट किया, मोटिवेशन के बाद ये सफर शुरू हुआ। बीच में कई ऐसे टाइम आए जहां पे वो मेरे से मिलके कहता था कि सर क्या मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, तो मैं उसको यही बात कहता था कि जब एक गुरु और शिष्य मिलके किसी काम को करते हो तो इतिहास गवाह है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो काम कंप्लीट ना हो। तो जब भी गुरु और शिष्य ने मिलके किसी काम को किया है तो उन्होंने कंप्लीट किया है और इसी चीज को एक बार फिर से हमने प्रूफ किया कि वो एक अच्छा शिष्य था और मैंने एक अच्छा गुरु होने का फर्ज निभाया और आज वो हमारे पठानकोट में 96 परसेंटाइल लेके वन ऑफ द टॉपर है। ठीक है, अब मैं बुलाना चाहता हूँ पीसीटी ह्यूमैनिटी के चेयरमैन को, सर जोगिंदर सिंह सलारिया जी को। बेसिकली जैसे इनको पता चला कि आईआईटी का रिजल्ट शाम को आया है, हमारी बात हुई और सर ने पूछा कि जो रिजल्ट रहा वो कैसा रहा और हमारे पठानकोट के बच्चों का क्या रिजल्ट है। अगर बच्चा पठानकोट में पढ़ रहा तो पठानकोट के बच्चों के ही रिजल्ट से मतलब है, और अगर हम इनको पठानकोट में पढ़ा रहे तो हमें इनको ऐसा रिजल्ट देना है, हमें ऐसा प्रूफ करना है कि जो बाकी बच्चे अदर सिटीज में पढ़ रहे हैं उनके कंपेरेटिवली जो हमारा रिजल्ट है वो कैसा रहा है। सर को जान के बहुत खुशी हुई, स्पेशली सर मिलने आए और उनका ये कहना है कि मैं बच्चे को पर्सनली सम्मानित करूंगा और पीसीटी ह्यूमैनिटी की तरफ से मैं बच्चों को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा और आगे चल के उनको कैसे इंजीनियर और डॉक्टर बनना है इसके आज इस बारे में लक्ष्य बताना चाहूंगा। इंस्टीट्यूट दी जो रिजल्ट आया बच्चों का, मैं बहुत ही बधाई देना चाहना अभिनंदन सिंह सर नू कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रिजल्ट जिहड़ा हैगा वो बड़ा सक्सैसफुली आया। और सब तो वड्डी गल है कि आईआईटी वास्ते साडा एक बच्चा जिसका नाम मानसू है उसने 96% मार्क्स ले गए। सो साडे शहर पठानकोट के वासियों नू खास करके पूरे पंजाब नू माण होना चाहिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट वास्ते और अभिनंदन सर वास्ते। और मैं वधाई देना चाहता है कि मानसू के पेरेंट्स और जिन्हें बच्चे इतने 200 तो प्लस जो बच्चे इतने पढ़ रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के। और मैनू इंज लगता है कि आने वाले समय के वो भी मानसू दियाँ उस ही बनाई अज दियाँ लीह के उत्ते चल के आईआईटी जो कि एक इस भारत नहीं एक प्लैनेट का सब तो टफ टैसट हों उन्हें कंप्लीट करने वास्ते 96% मार्क्स लिया गया। सो बहुत ही मुबारक इस लक्ष्य इंस्टीट्यूट न टीचर साहबानू इस अभिनंदन सर नू जिन्होंने ये उपराला किया होया शहर पठानकोट दे विच। एक मैं यही गल कहांगा कि अजकल दे समय दे विच बहुत वड्डे वड्डे इंस्टीट्यूट खुले है लेकिन इस इंस्टीट्यूट ने जो मात पाई हैगी है सब दे उपर और मैनू लगता है कि काबले तारीफ है। सो साडा हमेशा यही एक फर्ज बनता है कि असी उन्हां बच्चों उस इंस्टीट्यूट नू आके प्रेस करिए, एप्रीशिएट करिए और बच्चों नू मोटीवेट करिए ताकि आने वाले समय दे विच इस तरह मानसू जैसे बच्चे जिहड़े आ होर अगे वधन। रिजल्ट आया जेई मेन 2 का जिसमें जो हमारा टॉपर बच्चा है मानसू उसके 96 परसेंटाइल है, कृष्णा के 94 है और ऐसे ही रैंडमली बाकी बच्चों के 93, 92 और ऐसे 11 बच्चे हैं आउट ऑफ 20 जो हमारे इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट हुए हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस इंस्टीट्यूट में आपके पास मेहनती टीचर्स हैं, अगर आप आते हो तो हम आपके रिजल्ट के लिए अपनी जान डाल देंगे। आप आएँ, क्या डाउट, क्या एक्स्ट्रा क्लास, जिस तरीके से बच्चा चाहेगा उस तरीके से हम उसको पढ़ाएंगे और जीरो से लेके
जाएंगे, रिजल्ट तक लेके जाएंगे, जीरो से। कौन कौन सा कोर्स आप करवाते हैं? हाँ, यहाँ पे IIT JEE की प्रिपरेशन करवाते हैं हम, NDA की करवाते हैं और NEET की प्रिपरेशन करवाते हैं। सर, आने वाले टाइम में फ्यूचर में बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चों को यही मैसेज है कि अगर आप कोई भी टेस्ट 11th और 12th में क्लियर कर लेते हो तो कल को जो आपकी लाइफ है वो स्मूथ हो जाती है और इतना ज्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, कॉलेज जो है वो आपको 11th 12th में ही मिल जाते हैं। ठीक है।